बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स नोट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, और आज हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमनिज्म क्या है, व्हाट इज ह्यूमनिज्म। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमनिज्म क्या है। What is humanism? A movement to recover, interpret and assimilate the language learning and values of ancient Greek and Rome. Man is the main object of contemplation. Man is the responsible for his own actions. In Julius Caesar, Shakespeare, Cassius says, "The fault, dear Brutus, is not our stars, but in ourselves. They focused on the external world. They were very sensitive towards beauty. This movement was started in Italy by Dante, Petrarch and Boccaccio in the 14th century and spread throughout the Europe. In England, it became popular during the Elizabethan period. Under the influence of humanism, the emphasis was laid on the qualities and uniqueness of man. Humanism. Humanism किससे निकला? Humanism word humanities से निकला, जिसमें focus किया गया poetry पे, grammar पे, हिस्ट्री पे, मॉरल पे, फिलॉसफी पे और रेटरिक पे। रेटरिक का क्या मीनिंग है कि इसमें भारी भरकम और गरजदार अल्फाज जो इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं रेटरिक। अब दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन इटली बाय दांते, पेट्रार्च एंड बोकैशियो। ये इटली से स्टार्ट हुई और इसको स्टार्ट किया दांते ने, पेट्रार्च ने और बोकैशियो ने इन 14th सेंचुरी एंड स्प्रेड थ्रू आउट द यूरोप। और 14th सेंचुरी में ये पूरे यूरोप में फैल गए। इन इंग्लैंड इट बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग एलिजाबेथन पीरियड, और इसने ये पॉपुलर हुई इंग्लैंड में एलिजाबेथन पीरियड में। दिस मूवमेंट विच फोकस इट्स इंटरेस्ट ऑन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड। अब इस मूवमेंट का फोकस क्या था कि द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड, के इंसान को इसकी स्टडी की जाए इंसान के। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? अ मूवमेंट टू रिकवर, इंटरप्रेट एंड असिमिलेट द लैंग्वेज लर्निंग एंड वैल्यूज ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोम। यानी कि यूनानी और रोमियों की किताबों को जदीद तकाजों के मुताबिक इंटरप्रेट करना और समझना, ये क्या कहलाता है? ह्यूमनिज्म कहलाता है। अब इसके पॉइंट्स क्या है कि मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स, के इसमें इंसान खुद को डिस्कवर करे और यूनिवर्स को। और सेकंड इसमें कहा गया है कि मैन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ही शुड इम्प्रेस एजुकेशन, कि उसने क्या करना है कि वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, तो उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि उसको अपने आसपास या यूनिवर्स से जितना भी जो भी डेटा मिलता है या रिलेटेड जो इल्म है यूनिवर्स से, तो वो सारे का सारा क्या है, वो ग्रैप कर ले, वो अपने अंदर कंज्यूम कर ले।
क्योंकि ह्यूमनिज्म का स्पिरिट क्या था, ह्यूमनिज्म का यही स्पिरिट था कि बहुत ज़्यादा सीखा जाए और बियॉन्ड लिमिट सीखा जाए, यानी कि रूटीन से हटकर सीखा जाए। जिस तरह से डॉक्टर फॉस्टर था, उसने क्या किया, उसे जो भी इल्म था, जो इल्म उसे सिखाया गया, उसने कहा नहीं मुझे ये नहीं सीखना, मुझे इससे और ज़्यादा और बहुत कुछ सीखना है। तो ये क्या था, ह्यूमनिज्म का एक स्पिरिट था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, ह्यूमनिज्म एड्स इट्स इफेक्ट्स, कि ह्यूमनिज्म ने उस दौर का जो लिटरेचर था उस पर क्या असर डाला और कौन से जो नए एस्पेक्ट्स थे वो सामने आए। नंबर वन है इंटरेस्ट इन ग्रीक क्लासिकल एंटिक्विटी, के उस टाइम के जो लोग थे उनका इंटरेस्ट किस में बढ़ गया, क्लासिकल या रोमन जो लिटरेचर था उसमें। द फर्स्ट इनलाइटमेंट इंग्लिश मैन हु रोट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्टडीज वार सर टॉमस मोर, कि सर टॉमस मोर ने भी जो अपना यूटोपिया लिखा वो भी जो ग्रीक लिटरेचर था उससे उसने मुतासर होकर लिखा। हिज यूटोपिया रिटन इन लैटिन, उसने ये लैटिन में लिखा, वाज सजेस्टेड बाय प्लेटोज रिपब्लिक, जो कि उसने जो प्लेटो की बुक थी रिपब्लिक उसे उसने मुतासर होकर लिखे अपने जो वर्क था यूटोपिया। नेक्स्ट है कि सर फिलिप सिडनी डिफेंस ऑफ पोएजी एक्सेप्टेड एंड एडवोकेटेड द क्रिटिकल रूल्स ऑफ द एंशियंट ग्रीक्स, जो सर फिलिप सिडनी थे उन्होंने भी डिफेंस ऑफ पोएजी लिखा, वो भी जो ग्रीक राइटर्स थे या एंशियंट राइटर्स थे उनके जो रूल्स थे क्रिटिकल रूल्स थे वो उन्होंने उसको ही फॉलो करके जो अपनी बुक थी वो लिखी डिफेंस ऑफ पोएजी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिस्कवरी ऑफ द एक्सटर्नल यूनिवर्स, यानी कि बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना, इंसान का जो सोचने समझने और फिक्र करने की जो सलाहियत है तो उसको नई डायरेक्शंस देना और नए पैरामीटर्स पे चलाना और उनको नई गाइडलाइंस देना कि जो प्रेजेंट एज में प्रीवियस जो नॉलेज है उसको किस तरह से बेहतरीन तरीके से अप्लाई किया जा सकता है और प्रेजेंट जो लाइफ है उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिविजुअलिटी एंड यूनिकनेस, इन द मिडिवियल मोरालिटी प्लेस द करेक्टर्स आर मोस्टली पर्सोनिफिकेशन फ्रेंडशिप चैरिटी स्लॉथ विकेडनेस एंड द लाइक, बट नॉट ड्यूरिंग द एलिजबेथन पीरियड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमनिज्म द एम्फेसिस वाज लेड ऑन द क्वालिटीज एंड द यूनिकनेस ऑफ मैन। इसमें फोकस किया जाता था इंडिविजुअल पे कि एक इंडिविजुअल या एक इंसान दूसरे इंसान से कितना मुख्तलिफ हो सकता है या कितना मुख्तलिफ है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिवीलिंग राइटर्स ओन माइंड, दिस टेंडेंसी लेड टू द राइज ऑफ ए न्यू लिटरेरी फॉर्म द एसे विच वॉज यूज सक्सेसफुली बाय बेकन। ये क्या था कि जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड था उसमें लिटरेचर को लिखा भी जा रहा था एनोनिमसली, यानी कि जो राइटर्स थे वो लिखते थे या तो चर्च के बिल के मुताबिक या फिर गवर्नमेंट के बिल के मुताबिक, उनके अपना उनके जो अपनी पर्सनल चॉइस थी वो नहीं थी, वो अपनी मर्जी से जो कुछ सोचते या महसूस करते वो नहीं लिख सकते थे। तो अब रिनेसेंस पीरियड में या ह्यूमनिज्म में क्या हुआ कि इसमें लोग इन जो राइटर्स थे उनको फ्रीडम था कि वो अपनी मर्जी से लिख सकें और जो वो सोचते हैं जो वो महसूस करते हैं, तो इस वजह से एक न्यू जो लिटरेरी फॉर्म है वजूद में वो कौन सी थी, ऐसे, और इसको बेहतरीन अंदाज में यूज किया बेकन ने। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, पैशन फॉर लाइफ, इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिट लिरिकल पोएट्री फॉर द एलिजाबेथन एज एंड डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ डेथ डिके ट्रांजिशन ऑफ लाइफ। अब जैसे कि प्रीवियस जो पीरियड था एंग्लो नॉर्मन्स का उसमें क्या था कि सिर्फ मोरालिटी प्लेस थे या मिस्ट्री प्लेस थे या मिरिकल प्लेस थे और इन सब की क्या बेसी, उनके सब की बेसी मजहब, यानी कि एक तरफ जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी थी तो दूसरी तरफ क्या था कि इंसान की तख्लीक और उसके जो डिसओबीडेंस थी और दूसरी तरफ क्या थी दरबारी शायरी। अब क्या था कि इन चीज़ों से हट कर इसके अलावा उनके पास कोई टॉपिक्स नहीं थे, तो सारे का सारा पैशन जो था वो कौन कंट्रोल कर रहा था, चर्च कंट्रोल कर रहा था या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, कि उनके उस टाइम जो राइटर्स थे उनकी उनको खुद तो पर्सनल फ्रीडम नहीं था, तो इस वजह से क्या हुआ लेकिन अब रिनेसेंस पीरियड में उनको एकदम से मौका मिला कि वो जो अपनी उनकी अपनी पर्सनल फीलिंग्स हैं उनको बयान करें, तो इस वजह से क्या पैदा हुआ, पैशन फॉर लाइफ। तो इसमें जो लिरिकल पोइट्री सामने वो थी लिरिकल पोइट्री सामने और उसके जो थीम्स थे वो तो वही थे कि डेथ डिके ट्रांजिशन ऑफ लाइफ, लेकिन इसमें था कि वो अपनी मर्जी या अपनी फीलिंग्स के लिहाज से वो इसको
बयान करते थे और इस हेडिंग के बुनियादी ह्यूमनिज्म। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, कल्टीवेशन ऑफ द एस्थेटिक सेंस यानी कि हिस्से लताफत का पैदा होना। नंबर वन पॉइंट है जेंटल मैनली बिहेवियर, दिस एस्पेक्ट स्केच द पैटर्न ऑफ जेंटल मैनली बिहेवियर एंड मैनर्स विच कंडक्ट सर फिलिप सिडनी एंड सर वाल्टर रैल्फ। राइज ऑफ ऑनर्ड स्टाइल कॉल्ड बाय यूफिज्म बाय लिले एंड इट इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड बैलेंस इन इंग्लिश प्रोज एंड गिव पिथिनेस एंड हारमोनी। अब क्या था कि इस फ्रीडम या इस पर्सनल फ्रीडम से जो एस्थेटिक सेंस पैदा हुए और अदोवादा वाला जो बेहतरीन स्टाइल था वो वजूद में आया, जिसको जॉन लिली ने क्या कहा, यूफिज्म ने। अब इस चीज़ से क्या हुआ कि इंग्लिश जो प्रोज थी वो इम्प्रूव हुई और उसमें क्या पैदा हो गया, हारमोनी पैदा हुई उसमें और बैलेंस ऑर्डर पैदा हुआ। अब इस चीज और ये रेनेसेंस पीरियड का क्या था, सबसे बेस्ट पार्ट था जिसमें जो है बेकन ने एसेज लिखे प्रोज में। नेक्स्ट पॉइंट है मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शंस के इंसान जो है इसका अपना उसके जो एक्शंस है वो इसका खुद जिम्मेदार है। अगर वो अच्छा करता है तो भी वो उसका खुद जिम्मेदार है और अगर वो बुरा करता है तो वो भी खुद उसका रिस्पॉन्सिबल है। मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शंस एज कैशियस सेज टू ब्रूटस इन जूलियस सीजर। उसने क्या कहा कि द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट अवर स्टार्स बट इन अवर सेल्स दैट वी आर अंडरलाइंस, कि जो हमारे फॉल्ट्स हैं उसमें जो स्टार्स हैं उनका कोई लेना देना नहीं है, जो फॉल्ट्स हैं वो हमारी अपनी वजह से है। नेक्स्ट है गाइडेंस फ्रॉम विद इन, हायर अथॉरिटीज वर सॉट इन मिडल एजेस फॉर गाइडेंस एंड राइटियसनेस ऑफ लिविंग मॉरल एक्सीलेंस एंड सिग्नीज आर कैडियस स्पेंसर्स फेयर क्वीन एंड मॉरल एटीट्यूड। सेकेंड क्या है कि ह्यूमनिज्म का एक और मेन फोकस क्या था, वो था मॉरल एटीट्यूड्स, यानी कि इस चीज़ पे फोकस करना, मॉरल एटीट्यूड पे फोकस करना। जैसे कि शेक्सपियर के जो ट्रेजडीज हैं या प्लेज हैं उसमें ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट या सिग्निफिकेंट तो नहीं, लेकिन उसमें क्या है कि जो मॉरल एटीट्यूड है उसको ज़रूर वो अपने प्लेज में क्या करता है, मेनटेन करता है। नेक्स्ट जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ह्यूमनिज्म सिंबल, इसका सिंबल क्या है ह्यूमनिज्म का, द हैप्पी ह्यूमन इज द इंटरनेशनल सिंबल ऑफ ह्यूमनिज्म, जो हैप्पी ह्यूमन का फेस है वो उसका क्या है, इंटरनेशनल सिंबल है। और डज ह्यूमनिज्म बिलीव गॉड, ह्यूमनिज रिजेक्ट द आइडिया और बिलीव इन अ सुपर नेचुरल बींग सच एज गॉड, वो क्या करते हैं कि इस तरह के जो सुपर नेचुरल चीज़ें हैं वो उसको रिजेक्ट करते हैं, वो कहते हैं वो चीज़ उस चीज़ को हम मानेंगे जो कि प्रूव की जा सके। हु इज द फादर ऑफ द ह्यूमनिज्म, फादर कौन किस को माँ कहा जाता है ह्यूमनिज्म का, पेट्रॉश द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म एंड इवन द फर्स्ट मॉडर्न स्कॉलर। नेक्स्ट है कि हाउ डिड द रेनेसेंस एंड ह्यूमनिज्म चेंज थॉट, कि रेनेसेंस के जो ह्यूमनिज्म है उसने किस तरह से थॉट को चेंज किया। अब पहले क्या था कि फोकस ऑन आफ्टर लाइफ, जो आखिरत की जिंदगी थी उस पर फोकस किया जाता था। अब इसमें क्या है कि फोकस ऑन दिस लाइफ, के इंसान के जो मौजूदा जिंदगी है उस पर फोकस किया गया। द इंडिविजुअल नॉट इम्पॉर्टेंट, उसमें प्रीवियस में क्या था कि एक इंसान जो है इंडिविजुअल उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, इसमें है द इंडिविजुअल इज इम्पॉर्टेंट, के इंसान जो इंडिविजुअल है उसकी अहमियत है। नेक्स्ट है कि लिटिल फोकस ऑन लर्निंग एंड द आर्ट्स, उसमें लिटिल फोकस था किस पे, लर्निंग पे और आर्ट्स पे। और इसमें है फोकस ऑन लर्निंग द क्लासिक्स एंड द आर्ट्स, उसमें फोकस किया गया क्लासिक्स पे, क्लासिकल लर्निंग जो थी उस पे और आर्ट्स पे। और इसमें उस जो पीरियड था उसको क्या कहा गया, डार्क एज, और जो नेक्स्ट जो आए उसमें उसको कहा गया रीबर्थ। और इसको कहा जाता है कि एज ऑफ फेथ, और ह्यूमनिज्म का जो पीरियड था उसको क्या कहा गया, एज ऑफ रीजन। तो
तो ये थी आज की वीडियो के जिसमें हमने ह्यूमनिज्म के इफेक्ट्स में इफेक्ट्स के बारे में कि उसने लिटरेचर को कैसे मुतासर किया ये पढ़ा, और कल हम डिस्कस करेंगे एलिजाबेथन पीरियड और उसके जो उसमें जो प्लेस लिखे गए उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक पेज का लिंक दिया गया होगा, आप वहाँ पर जाके ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।